जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु, जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समय साराय स्वान भूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थित। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के का मिले समाज सब पावे निज पद पावे निज पद। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्ष का उपाय यह ही है, अंत में लिखा है ना, यह ही है मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय यही है, बंध से छूटने का उपाय यही है, सुखी होने का उपाय यही है, चारों गति परिभ्रमण मिटने का उपाय यही है। क्या है कितने सुंदर बात कही पंक्ति, कितने सुंदर लिखी है क्या बाबू जी। यही है, एक ही है। आवाज तेज है नहीं, आवाज थोड़ा तेज तो नहीं लग रही आवाज, मेरी भी आवाज तेज है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अंदर से जो आ जाते यही है। क्या है बाबू जी, यही है। काई का उपाय, सुखी होने का उपाय यही है। क्या संसार परिभ्रमण मेटने का उपाय यही है। मेरे समस्त दुखों को समाप्त करने का उपाय यही है। क्या है, है? क्या है तो यहां टोटल मजी साहब कहते हैं मिथ्या भाव अभावते। क्या बाबू जी, क्या एकमात्र मिथ्या भाव का अभाव कर दो। आवाज बहुत तेज लग रही है मुझे नहीं है, तेज थोड़ी सी आवाज बाबू जी, आवाज आपको सुनाई दे रहा है ना, थोड़ी सी आवाज हल्की ना, ऊपर से मास्टर भी कम कर दो। हेलो हेलो, एक ही है ना। क्या है उपाय बाबू जी सुखी होने का, एक ही है, दो उपाय नहीं है। वो उपाय क्या है कि मिथ्या भाव अभाव से, मिथ्या भाव का अभाव कर दो। और जैसे ही मिथ्या भाव का अभाव होगा तो अपना स्वभाव प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों ऐसा नहीं होगा कि मिथ्यात्व भी रह जाए और सम्यक दर्शन भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्याय है, पर्याय क्या है, पर्याय एक समय की हालात
श्रद्धा गुण की एक समय की दशा अगर वो मिथ्या है तो सम्यक नहीं, और जब सम्यक हो जाएगी तो वहां मिथ्या नहीं है। क्या समस्त संसार को मिटने का, संसार के दुख को मिटने का, संसार के परिभ्रमण को मिटने का, मेरे समस्त दुखों का समापन, उसका उपाय एक है। क्या उपाय है संजय जी भाई साहब? उपाय क्या है? मिथ्या भाव अभाव से, उस मिथ्या भाव का अभाव करना है। कहां है बाबू जी मिथ्या भाव? भाई दुख मिथ्या, मिथ्या भाव कहां है? कहां है? कि बोले स्वभाव में ना, स्वभाव में तो नहीं, तो फिर कहां है? तो बोले एक समय की दशा में है। किसकी एक समय की दशा में है? किसकी? मेरी एक समय की दशा में मिथ्या भाव है, उसका अभाव होते ही निज भाव प्रकट जाता है और वही मोक्ष का उपाय है। वो जयवंत रहो, बना रहो, टिका रहो, जय हो उसकी। किसकी जय हो बाबू जी? किसकी जय हो? अरे बोलो ना, है अपन ने जय नहीं लगाई? महावीर भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो मतलब है? और यहाँ टोटल मल्ली साहब और किसकी जय लगा रहे हैं? किसकी जय लगा रहे हैं यहाँ पर बाबू जी? जय है। तो वो अपना निज भाव कब प्रकट होगा? निज भाव कि वो मिथ्या भाव के अभाव होने पर प्रकट होगा। मिथ्या भाव मतलब संसार, और अपना निज भाव प्रकट होकर वो बना रहे तो वह जीव मुक्त। बस संसार अवस्था का वर्णन करना है यह टोटल मल्ली साहब को इस अधिकार में, तो ये मिथ्या भाव उस पर ही चारों तरफ अपना विषय चलेगा, है ना? विषय कहां चलेगा इस अधिकार के अंदर? कि मिथ्या भाव, अपन ने बोला था संसार की परिभाषा क्या क्या तय करी थी आप लोगों ने। संसार किसको कहते हैं? कि हमारी एक समय की दशा में जो विकारी भाव, उसको संसार कहते हैं, है ना? एक परिभाषा तो बाबू जी ने बताई थी, एक परिभाषा बताई थी, बंधन है तो संसार है, है? कर्म से बंधा हुआ है जीव तो संसार है, शरीर से बंधा हुआ है तो संसार है, है ना? आगम से अध्यात्म की परिभाषा न्यारी है। फिर किसी ने बताया ना, चार गति में परिभ्रमण सो संसार है। नहीं बाबू जी, संसार किसको कहते हैं? कि परिभ्रमण, संसरण, संसरण घूमते रहना, रखड़ते रहना, उसका नाम संसार है। इतनी इतनी सारी परिभाषा आप लोगों ने बताई, लेकिन मूल कारण क्या? मूल कारण क्या है? कि बोले ये मिथ्या भाव। किसका है मिथ्या भाव? किसका मिथ्या भाव है बाबू जी? वो अरे बोलो ना, है किसके कारण है? ये तो सब खोज करनी पड़ेगी, किसका है, किसके कारण है, कैसे मिटता है, और वो रहता है तो क्या क्या होता है, सब सब अपने को खोज करनी पड़ेगी ना। टोटल मिल साहब इस अधिकार में संसार अवस्था का चित्रण करेंगे, संसार अवस्था का स्वरूप कहेंगे। और कल अपन ने ये सब इतनी सारी बातें लिखी थी, संसार किसको कहते हैं, और अंत में ये नक्की किया था कि कर्म से बंधन ये जीव, उसका नाम संसार है। ठीक है, कर्म से बंधा हुआ है, क्योंकि कर्म से बंधा हुआ है, जब कर्म उदय में आते हैं तो इसके इससे साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय में आते हैं तो इसको इस शरीर के साथ रहना पड़ता है, कर्म के साथ उदय में आते हैं तो ये गतियों में रखड़ता है, है ये जो कर्म है ये सब इसके ये चक्कर कर्म के साथ बंधन है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कल अपन ने नक्की करा था ना ये। तो अब टोटल मल्ली साहब यहां से बात अपनी प्रारंभ करेंगे। क्या बात करेंगे? कि ये जीव दुखी है तो उसका कारण है बंधन है, और बंधन से ये मुक्त हो जाए तो ये हो गया सुखी है।
बात यह क्यों कि यहां अभी संसार अवस्था को समझाना है। तो बंधन कब से है, बंधन क्यों है, बंधन कैसे होता है, बंधन कर्म के उदय में क्या क्या होता है, सब बात यहां पर इस अधिकार में समझाएंगे। क्या क्या समझाएंगे इस अधिकार में, सब समझाएंगे क्योंकि संसार अवस्था का चित्रण है इसमें। ठीक है, चले, दोहे का अर्थ समझ में आ गया आपको? कौन बोलेगा दोहे का अर्थ कि आप रिवीजन करने के लिए रखें, कल पूछें। बाबू जी किस किस कौन सी चीज जयवंत बनी रहे, बोलो बाबू जी क्या बनी रहे जय कि मेरा निज भाव कहां बना रहे, कि मेरी पर्याय में, अरे स्वभाव तो बना बनाया है, उसमें कुछ नहीं करना है। वो हाँ वो वहां वहां परफेक्ट है, वो आइसोलेट है, वहां कुछ नहीं करना, वहां कुछ कर भी नहीं सकते, वो कुछ करना भी नहीं है। चले आगे, कितना सरल मोक्ष का उपाय बताया है कनक भैया, कितना सरल मोक्ष का उपाय बताया है यहां पर टोरमल साहब ने इस अधिकार के मंगलाचरण में है? क्या बताया है? एक मिथ्या भाव का अभाव कर दो और उस अपने भाव को बने रहने दो, जयवंत रहो, उसको रखे पर्याय में टिके रहने दो, काम हो जाएगा। सरल है, चले एक बार सब एक साथ अपन दुआ बोल लेते हैं, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। आप में से कोई पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर अपन उसका विचार करेंगे। एक बार अपन सभी मिलके मंगलाचरण करते हैं इस अधिकार का, है ना। अब अपन दूसरा अधिकार प्रारंभ करा तो हम रोज मंगलाचरण दूसरे अधिकार का करेंगे अपन, है ना। सभी एक साथ अपन पढ़ते हैं, मिथ्या भाव अभाव से जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष उपाय। एक ही मोक्ष का उपाय है। कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ आप में से, जिन्होंने पूर्व में नहीं पढ़ा हो उसको भी अवसर दें और तेज आवाज में पढ़े। ठीक है साहब, बाबू जी पांच पंक्ति में पूरी कहानी संसार की बता दी। आप में से कोई पुरुष में से भी कोई पढ़ेगा, बहुत एक एक पंक्ति में जबरदस्त रहस्य है ना। कौन पढ़ेगा आप में से पुरुष वर्ग में से भी तेज आवाज में पहला अधिकार, पूरी संसार की अवस्था का चित्रण कर दिया है। इसमें किसी आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप बोल देना कि हाँ साहब टोटल मजे साहब यहाँ चुप गए, ऐसा कुछ लगे तो बता। ठीक है जी, तीन बातें कही। क्या बात कही? एक तो यह दुख सह भी नहीं पा रहा, दूसरी बात यह कही कि दुख को मेटने का निरंतर उपाय भी करता है, और तीसरी बात यह कही कि सच्चा रास्ता नहीं मिलने पर उपाय होता भी नहीं। क्या क्या बात कही थी, तीन क्या बात कही टोटल वाले साहब ने इस पैराग्राफ में, तीन क्या बात कही, सहज क्या बात कही तीन। पहले तो दुख सहा नहीं जाता, ओके सहा नहीं जाता तो दुख को मेटने का उपाय भी करता है, ऐसा नहीं है। कौन उपाय कर रहा है बाबू जी दुख को मेटने का? जगत के समस्त जीव, समस्त संसारी जीव क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्यों दुख दूर करने का उपाय कर रहे हैं? दुख सहा नहीं जाता,
अगर तो बाकी सा जाता तो है नहीं कनक भैया इज इट ओके समय सहा जाता तो अपन तो बोलते हैं सहो ना थोड़ा तो सहनशील होना चाहिए टोडर मजी साहब कह रहे हैं कि इससे दुख सहा नहीं जाता तो फिर क्या करता है दुख को दूर करने का उपाय करता है उपाय भी करता है तो फिर दुख दूर क्यों नहीं होता दुख क्यों दूर नहीं होता फिर प्रश्न ये है कि भाई दुख सहा नहीं जाता दुख दूर करने का निरंतर उपाय करता है और दुख दूर नहीं होता भैया क्यों दुख दूर नहीं होता कि यहां लिखा हुआ है ना परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना क्या क्या गड़बड़ी हो रही है बाबू जी सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और फिर क्या करेगा अगर दुख दूर नहीं होगा तो वह तड़प तड़प के दुख सहेगा यह है चलो ये तो बहुत समुदाय के रूप में टोटल मल्ली साहब ने बात कह दी अपन तो अपनी बात करते हैं अपन दुखी हैं कि नहीं है, है? दुखी है ना ठीक है दुख दूर करने का उपाय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कुछ तो बोलो हाँ जी हाँ ना कर रहे हैं दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ अरे बोलो ना हाँ जी हाँ ना जी क्या चक्कर है फिर चक्कर क्या है इस पैराग्राफ से कुछ बात पकड़ में आ रही क्या है कनक भैया क्या बात पकड़ में आ रही इस पैराग्राफ से परंतु सच्चा उपाय किए बिना है तो अपन अभी तक क्या काम कर रहे थे बाबू जी झूठा ही झूठा काम कर रहे थे झूठा ही झूठा काम कर रहे थे कोई समझाने वाला नहीं मिला आपको कि सच्चा काम कर बोलो ना हाजी या नाजी बोलो ना हाजी या नाजी क्या कनक भैया कोई नहीं मिला सच्चा कि सच्चा मिला लेकिन मैंने मानी नहीं अरे कुछ तो बोलो कि मिला ही नहीं चलो कोई बात नहीं ये तो हो गया जे वो बोलते थे कहावत है जब जागे जब शाम का भूला हुआ यदि क्या सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ठीक तो अपन बाबू जी आ गए घर अरे हाँ जी अना जी घर आ गए क्या अपन अपने है? अब जो यहाँ बात बताई जाएगी वो तो समझ जाएंगे अपन है कल तो चार लोगों ने ही हाथ ऊंचे करे कि अवलोकन मात्र चिंतामणि हम चार लोग ही देखेंगे बाकी तो हमारे पास टाइम नहीं है क्या भाव जी कितने लोगों ने हाथ खड़े करे चार लोगों ने अवलोकन मात्र चिंतामणि देखने की बोले फुर्सत नहीं है हमारे पास टाइम नहीं क्यों क्यों कनक भैया क्यों क्योंकि हमारे पास समस्या बहुत है अरे मूर्ख तू जहां समस्या समाधान करना चाह रहा है वहां तो विधि नहीं है यहां विधि है और तू देखना नहीं चाह रहा अपन क्या अपन कहां समस्या समाधान करना चाह रहे बोलो अपन सब लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है बोलो हम निरंतर सुख का उपाय कर रहे हैं ना ठीक है ये बाकी काई के लिए समय नहीं है अपने पास बाबू जी काई के समय नहीं है बोलो क्या उपाय कर रहे हैं 24 घंटे अपन सुख का उपाय जो कर रहे हैं ना फिर और असली सुख का उपाय उसको देखने का समय नहीं है हमारे पास कब मिलेगा सुख बोलो अब आप बताओ उत्तर कब मिलेगा कभी नहीं मिलेगा है अभी कोई है सच्चा उपाय करेंगे तो मिलेगा और अपना वाला उपाय अब सच्चे उपाय के लिए तो हमारे पास समय नहीं है हाँ छोटे बच्चे रहते हैं ना वो दिन भर खेलता है तो पिताजी डांटते हैं पढ़ाई नहीं करेगा तो ठेला चढ़ाना पड़ेगा नहीं है ऐसा नहीं डांटते ठेला चलाना मतलब बोले तो हेम्बली करनी पड़ेगी ऐसा है और अब अपन जो बाबू जी उपाय कर रहे हैं उस उपाय में सच्चा सुख नहीं मिल रहा है तो अपने को कौन डांटे है कौन डांटे है तो करुणावंत गुरुओं की कृपा है फिर भी हम उनको समझ में नहीं आ रही बात चलो करें प्रारंभ पैराग्राफ
यहाँ टोडरमल साहब ने सबसे पहले ये बात कही कि अब हम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, ठीक है, अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, ग्रंथ का नाम भी है, अपन इसकी पहले भी बहुत चर्चा करके आए हैं, है कि अब कैसे प्रकट होता है, इसकी बात अब यहाँ से प्रारंभ करने की उन्होंने प्रतिज्ञा करी, ऐसा उन्होंने अपना भाव रखा और तुरंत बात ये कहा, क्या कहा कि बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। क्या कहा भाव जी? बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस जीव को किस किस का बंधन है, है? किस किस का बंधन है इस जीव को, है भाव जी? किसका बंधन है बोलो, क्या बंधन है? घर का बंधन है, परिवार का बंधन है, पत्नी का बंधन है, शरीर का बंधन है, कर्म का बंधन है, किस किस का बंधन है इस जीव को, है? हाँ, किसका बंधन है? अरे बोलो, हाँ जी अन्ना जी, किसने इसको बांध रखा है जीव को? मिथ्या भाव अभाव से, अरे अनादि से इस जीव ने अपने को बंधा हुआ ही माना है। यह सबसे बड़ी गड़बड़ है, नहीं बंधा हुआ, घर से बंधा हुआ, शरीर से बंधा हुआ, कर्म से बंधा हुआ, है ना? मंगलाचरण करके आए ना अपन अभी, क्या मिथ्या भाव अभाव से, क्या मिथ्या भाव है बाबूजी? अरे बोलो ना, क्या जावा साहब, क्या मिथ्या भाव है? बंधा हुआ हूं मैं, हाँ मैं बंधा हुआ हूं ये मान रखा है इसने। किस किस से बंधा हुआ है? बोले कर्मों से बंधा हुआ हूं, शरीर में बंधा हुआ हूं, परिवार में बंधा हुआ हूं, समाज से बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं ना, मंदिर से बंधा हुआ, बंधा हुआ है ना ये? कहां बंधा हुआ है? बंधा कहां है? बंधा कहां बंधा हुआ है? कैसे मिल गया? देखो अभी मैंने जो बात उठाई है वो अध्यात्म की तरफ से बात उठाई है ना? जब अपन आगम के पक्ष की बात करेंगे तो कर्म का भी उसको निमित्त पड़ा है, शरीर के साथ उसका एक क्षेत्र अवगाह संबंध है और परिवार कुटुंब का संयोग हो गया, ये सब है, नकारा नहीं है, है। लेकिन बंधा कहाँ है? बंधा कहाँ है असल में? ये पत्नी मेरी है, ये कहाँ बंधा है? अपने मिथ्या भावों में बंधा है। ये शरीर मेरा है, ये कहाँ बंधा है? कहाँ बंधा है? कहाँ बंधा है गजा? वो बंधा कहाँ है? बंधा कहाँ है? बंधा है? अनंत भगवान का क्या है द्रव्य? अनंत भगवान की क्या है? वहाँ वहाँ उनका उनके आत्मा का प्रदेश शरीर से छोड़ के बाहर है क्या? अरे अभी तो शरीर से बात करते हो तो शरीर से बात करो, उनके आत्मा के प्रदेश शरीर से छोड़ के बाहर तो नहीं है ना? है मिथ्या भाव अभाव से, एक परिणति में जो ये मिथ्या भाव चल रहा है, इसके अभाव होकर जो अपना निज भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, वो जयवंत हो, उसकी जय हो, जय हो, वो बना रहे, यही मोक्ष उपाय, यही एक मोक्ष का उपाय। देखो कितने सुंदर गीत गाए, किसके गीत गाए?
किसके गीत गाए? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, तुम मोक्ष मार्ग परिणति में प्रकट हो, उसके गीत गाए। शुरू से ही वो वीतराग विशेष ज्ञान चला, यहाँ पर अब निज भाव चला ना। मैं बताता जाऊंगा आपको पूरा पूरा, वो पूरे अधिक सभी अधिकारों में टोटल मजे साहब ने इसके गीत गाए। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, निमित्त की तरफ से कह रहे हैं कि जीव को बंधन है। किसका बंधन है? कर्म का बंधन है। और जब इसके कर्म का बंधन छूट जाए तो यह सुखी हो जाए, इतनी बात कह रहे हैं। क्या है पहले अधिकार में क्या है? इस जीव को जो दुख है वो दुख का कारण बता रहे हैं कि इसको बंधन है। और बंधन काहे का है कि बोले कर्म का बंधन है, क्योंकि उसको सबका मुखिया कल्पन ने बताया था ना कि कर्म को मुखिया कैसे करा निमित्त में, कि सब में कर्म के निमित्त पड़ते हैं, इसलिए उसको मुखिया करा कि इस जीव को कर्म का बंधन है और कर्म के बंधन से ये छूट जाए तो यह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सुखी हो जाए। ठीक है, अब कर्म के बंधन अरे कर्म के उदय में यह जीव दुखी भी होता है, दुख दूर करने का उपाय भी करता है, और सच्चा उपाय नहीं होने पर दुख दूर नहीं होता है और दुख उससे सहा नहीं जाता। ये सब कंडीशन उन्होंने पुटअप कर दी। क्या क्या कंडीशन पुटअप कर दी टोटल मजे साहब ने? क्या सच्चा उपाय नहीं कर रहे तो दुख मिटता भी नहीं है और दुख सहन भी नहीं होता है, तो उपाय करते रहते हैं। हाँ कैसे होगा? हाँ क्या अब क्या करें ये बताओ आप। अब ये अभी ये तो समझ में आ गया कि हम जो उपाय कर रहे हैं वो झूठा है। ठीक है, तो अभी सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? और वो बिना उपाय करे हम दुखी हो जाएंगे क्या? है दुख दुख दूर करना है कि नहीं करना है भाई? किस तरह से? अपने उपाय से तो दुख नहीं दूर हो रहा है, क्योंकि वो उपाय झूठा है। अगर होना होता तो हो ही जाता नहीं गुरु जी? हो जाता फिर अगर वो हमारे उपाय से, तो हमने उपाय करने के लिए क्या नहीं करा है? है? शादी कर ली, मकान बना दिए, बच्चों का विवाह कर दिया, एफडी बना दी, क्या नहीं करा भाव जी सुखी होने के लिए? बोला है पांच जगह इन्वेस्टमेंट अलग अलग करा है, कहीं चक्कर नहीं पड़ जाए है? कौन चलेगा? कौन चलेगा? अपनी स्थिति वैसी होगी जब वो तोता नहीं बोलता, तोता पिंजरे का तोता नहीं, उसको सिखा दिया है क्या कि बिल्ली आएगी तो उड़ जाना, यानी क्या क्या वो बोलता रहता है ऐसा ही नहीं? क्यों सीख लिया इसने? उड़ता नहीं है फिर क्या हो? अपन ने भी सीख लिया, अभी उपाय तो ये सच्चा है, कहते तो ये बात सच्ची है, आचार्य महाराज बताते तो बढ़िया है, है? बात में दम है इनकी, क्या काई के लिए है बाबू जी? क्या काई के लिए कहे? काई के लिए कह रहे हैं, दम है, है? जब तक ये जीव सच्चा उपाय नहीं करेगा तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा, और ये बात तो तय है कि इससे दुख सहा नहीं जा रहा। कैसे? क्योंकि ये निरंतर दुख दूर करने का उपाय कर रहा है। बोलो बाबू जी, बुद्धिमान आदमी क्या करे? एक व्यापार में अपन चार बार व्यापार कर रहे हैं, चार बार नुकसान हो गए, पांचवी बार क्या करें? बोलो, अभी सामान खरीदा 100 का और 90 में बेचना पड़ा, फिर अगली बार हिम्मत करी फिर खरीदा और फिर 90 में बेचना पड़ा। ऋषभ जी भैया चार पांच बार करने के बाद क्या करें? कोई तो तरीका सही ढूंढे जिसमें लाभ हो, नहीं तो क्या करें? ये घाटे का व्यापार है, भाव भाव में हमने सिर्फ भोग जुड़ाए, पांच इंद्रिय के विषय जुड़ाए, क्या करा और क्या मिला अंत में अपने को? है क्या मिला? घाटा ही मिला। अब यहां टोटल मजे साहब कहते हैं अब सच्चा उपाय, अब तरीका देखो टोटल मजे साहब का, ये जो दुख दूर करने का उपाय उन्होंने पूरा डॉक्टरी विधि बताई है। क्या क्या इंप्लीमेंट करा बाबू जी इसमें? डॉक्टर के पास, जब आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो है ना, अभी जैसे उदयपुर में एक दो जने डॉक्टर है कि नहीं, जो नाड़ी देखते हैं नाड़ी, ठीक है, आप कुछ मत बोलो, आप भूखे पेट जाओ संजय जी भाई साहब और आपकी नाड़ी दो, और वो नाड़ी पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं देखो आपको चक्कर आते हैं, आपको कमजोरी लगती है, आपको भूख कम लगती है, और जैसे जैसे वो बताते जाते हैं और आपको एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हो तब आपको क्या आता है?
क्या आता है? ऋषि जी भाई साहब क्या आता है? कि उस वेद का भरोसा आता है। क्या क्या आता है? उस वेद का भरोसा आता है कि इसने बीमारी को पकड़ लिया। फिर वेद क्या करता है? आपको विश्वास दिलाता है। काई का विश्वास दिलाता है कि ये जो तेरे को जो बीमारी हुई इसका कारण ये है, तुम समय पर भोजन नहीं करते, तुम भोजन में ज्यादा मिर्ची ले रहे हो, ये। और फिर ये अपनी दिनचर्या को चेक करता है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, इज इट राइट, ये तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। तो उसको विश्वास हो जाता है, हाँ हाँ मेरे बीमारी का कारण भी यही है। ठीक है भाव जी, क्या क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? एक तो वेद जी ने आपकी नाड़ी देख के बताया, ठीक है, और वही आपको प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने प्रॉब्लम क्यों है वो कारण बताया, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे क्या बताएंगे कि अब ये प्रॉब्लम में समाधान, कि अब इस बीमारी का इलाज ये है। तो फिर कैसे सुनता है वो इलाज? कजावत साहब कैसे सुनेगा वो इलाज है? बिल्कुल हाँ। और जब इलाज की पूरी बात बता दी कि ये दवाई आपको ऐसे ऐसे लेनी है और आपको दिनचर्या ऐसे, फिर कब इम्प्लीमेंट करेगा बाबूजी उसको? कब से दवाई लेना शुरू करेगा वो? है पोते की शादी हो जाएगी उसके बाद, है क्या है किस, कब दवाई कब लेगा? है बस। तो टूडरमली साहब भी यहाँ, पहले तो क्या दुख है वो बताएंगे, क्यों दुख है ये बताएंगे, उसका दुख से दूर करने का उपाय बताएंगे। इतनी बात कह के देंगे, अब तुम्हारी इच्छा है दवाई लेनी हो तो लो, और नहीं लेनी हो तो फिर तुम्हारे तो है ना, फिर होनहार का विचार करके हमको तो समता आती है। क्या टोटल मोदी साहब क्या कहेंगे फिर? तो होनहार का विचार करके हमको तो समता आती है। ठीक है चलो, अब आप में से कौन पढ़ेगा पैराग्राफ दूसरा? दो मिनट है, आप में से एक जना पढ़ो, फिर मैं पढ़ देता हूं, कल इस पर चर्चा करेंगे अपन। कितना सरल है और कितना सुंदर मार्ग है। क्या बाबू जी, क्या डॉक्टर का रोल कहां तक है? एक, ठीक है, और रोगी का रोल कहां तक है? है ठीक। मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूं, कल अपन फिर इसकी पहले से चर्चा करेंगे। ठीक, इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, है ना। अपन ने ये सब एंगल से कर्म बंधन को आगे रख के ना, निमित्त कथन, निमित्त की मुख्यता से कथन करते हैं, है ना। उसके अभाव रूप मोक्ष है वही परम हित है। किसका? सबका। हमारा भी परम हित क्या है? मोक्ष। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है, वही हमारी ड्यूटी है। क्या करना है? हमारा कर्तव्य क्या है? कि हमारे को मोक्ष का उपाय करना है, सुखी होना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं, इसीलिए इसको ये काम करने का उपदेश देते हैं। यहां विधि नहीं बताते, और कोई दूसरी सुखी होने की विधि बताई जाएगी वहां। अब यहां से उदाहरण चालू हुआ, जैसे वेद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसे जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। क्या निश्चय होता है बाबूजी?
मेरे को यही बीमारी है। अभी तो अभी अपने को बीमारी की भी खबर नहीं है, अभी आगे बताएंगे क्या क्या बीमारी है आपके, है ना। अभी बीमारी की भी खबर नहीं है अपने को। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। क्या कराता है? विश्वास दिलाता है, यही उपाय है, यही सच्चा है, इसी से तेरा रोग जाएगा। ये सब काम वेद ही यहां तक काम कराते हैं। इतना तो वेद का बतलाना है बस। इसके आगे वेद जी का दुख दूर कराने का वो हो जाए, ये सब तो वेद जी का बतलाना है। फिर यदि कंडीशन डाल दी, इस क्या कंडीशन क्या डाल दी, यदि वह रोगी उसका साधन करे। साधन किसको करना है? रोगी। वो वेद जी नहीं कर सकते। वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर स्वभाव रूप प्रवर्ते। यह रोगी का कर्तव्य है, यह रोगी की ड्यूटी है। ठीक, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।